पाकिस्तान की बदकस्मती है कि मुल्क की अला तरीन अलिया के जजिस में इख्त किसी सूरत खत्म होते नहीं दिखाई दे रहे आज एक नहायत गैर मामूली पेशरफ में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज और अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस एजाजन ने मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस फायजीसा को खत लिखकर सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुलक छः रुकनी और जस्टिस मज़ाहि नकवी केस के मुल तीन रुकनी बेंच की तश्ील पर एतराज उठा दिए साथ ही बेंचेज और मुकदमा मुकर करने से मुताल जजस कमेटी के अजलासों के, के मामला पर भी जनाब जस्टिस एजाजुल अहसन ने अपने तहफात का इजहार किया बिल्कुल इसी तरह जैसे कि माजी में सबक चीफ जस्टिस अतबंदल के दौर में जस्टिस खाजी के एतराज भरे खतूत भी मीडिया में सामने आते रहते थे दरअसल जस्टिस एजाजुल एहसन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत वजूद में आने वाली तीन रुकनी जजिस कमेटी के वो हिस्सा हैं ये कमेटी मुकदमा समात के लिए मुकर करने समेत बेंचिस की तश्ील की जिम्मेदार है कमेटी के बाकी दो अरकान में चीफ जस्टिस फाइजी और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस तारिक मसूद शामिल हैं आज अपने खत में सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस एजाजुल एसन ने लिखा कि सात दिसंबर को चीफ जस्टिस के चैम्बर में तीन रुकनी कमेटी का इजलास हुआ चार बजे शेड्यूल इजलास का एजेंडा उन्हें सिर्फ डेढ़ घंटे कबल मौसू हुआ कमेटी इजलास में फैसला हुआ था कि फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल पर पांच रुकनी बेंच फैसला दे चुका है अब इस फैसले के खिलाफ अपीलें कम से कम सात रुकनी बेंच सुने जस्टिस एजाज ने लिखा कि पिक इंड शूज के तसुर को झायल करने के लिए सीनियर जजिस पर मुश्तमिल बेंच बनाने की बात है चीफ जस्टिस ने इतफाक किया था खत के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया कि जजिस से पूछकर बताएं कि कौन से जज स्पेशल बेंच में बैठेंगे कमेटी मीटिंग में ये भी तय हुआ था कि अगर कोई जज ना बैठना चाहे तो अगले सीनियर बेंच का हिस्सा होंगे इस तरह जस्टिस मज़ाहिर नकवी से मुताल केस में भी तीन सीनियर तरीन जजिस पर मबनी बेंच बनाने पर इतफाक हुआ था जस्टिस एजाजुल अहसन के मुताबिक फौजी अदालतों और जस्टिस मजाहिर से मुताल केसेस पर कमेटी ने बेंच तश्किल नहीं दिए इस सवालों से मेरे सामने मालूम आती हैं तो मैं उस पर राय देता मगर मेरे सामने नहीं मालूम आई इस केस में तीन रुकनी बेंच जजेस सीनीरटी की बुनियाद पर नहीं बनाई गई जबकि फौजी अदालतों से मुतक केस में भी सात जजिस के बजाय छः जजस पर मुश्तम बेंच बना दिया गया है जस्टिस एजाजुल अहसन का आज का ये मरास यकीन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंदरूनी खलफशार की मजीद तस्दीक करता है अफसोस की बात है इस पर बात करते हैं हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर साद रसूल माहिर कानून एनालिस्ट भी हैं जुडिशल लीगल अफेयर्स के बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपने हमें ज्वाइन किया है इससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में तकसीम की बात तो हमें सामने आई थी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के रेफरेंस के हवाले से और उस वो भी काफ़ी सीरियस मामला था लेकिन आज जस्टिस एजाज अहसन का ये मरासला वो आइंदा के चीफ जस्टिस हैं वो सीनियर तरीन जज हैं और फिर वही गुफ्तु वही लहजा वही कम अज कम कॉन्टेंट जो हम जस्टिस फायजीसा के खतूत में देखा करते थे जो वो जस्टिस अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे उनको लिखा करते थे ये बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है मेरे ख्याल से खान साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया <coughs> देखिए हम बहुत अरसे ख़ान साहब आप और मैं कम अज़ कम Uh, आपके इस प्लेटफॉर्म से जब से जुडिशल uh, कॉन्डक्ट पे बात कर रहे हैं ख़ासतौर पे पिछले साल डेढ़ दो साल के अंदर तो हम इस बात को बार बार कम से कम हमारे प्लेटफॉर्म से कहते रहे हैं कि या उम्मीद करते रहे हैं कि जितना भी ये प्रोसेस अब आगे चलेगा इसमें कुछ सैनिटी आएगी कुछ इस तरह की चीज़ आएगी जिसमें जुडिशल जो जो भी मोज जज साहिबान का इंटरनल मामला है वो पसे पर्दा कहीं पर डिसाइड होगा आवाम के पर्सपेक्टिव के अंदर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में इस वजह से शक व शुभात नहीं किए जाएंगे क्योंकि मेंबर्स ऑफ द बेंच जो हैं वो खुद वो शक रेज कर रहे हैं आ, हमने कहा कि इस बात का और बाय द वे मैं ये बात ज़रूर करता चलूं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि बेंच के मेंबर्स के दरमियान में किसी चीज़ के ऊपर डिसएग्रीमेंट है कानून के किसी पॉइंट पे कानून किस तरह इम्प्लीमेंट होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स का मतन क्या है क्या ये इस तरह होना चाहिए छः मेंबर बेंच या पाँच मेम्बर बेंच का फ़ैसला साथ में जाना चाहिए बड़ी अच्छी बात है कि जजेस में डिसग्रीमेंट है वो इस पर डिबेट करते हैं सिर्फ हमारी उम्मीद ये रही है और अभी भी है कि ये डिसग्रीमेंट माजी की तरह कहीं जुडिशरी खुद इंटरनली रिजॉल्व करेगी और इसका इम्पैक्ट रोज़मर्रा के फैसलों पे नहीं होगा जिन जिन लोगों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है उनको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जज साहिबान कह रहे हैं कि इसके अंदर ये सुकून मौजूद हैं यही हमारी ख़लिश बतौर ऑब्जरवर और कानून के तालब इलम उस वक़्त थी जब जस्टिस काजी फाइसा साहब कारण चीफ जस्टिस जब वो उस वक्त ख़तूत लिख रहे थे जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे और यही ख़लिश आज भी है इसके अंदर बिल्कुल भी आ, 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 आपके तवस से मैं वाजहे करना चाहता हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल भी अभी इस बात के ऊपर हम कमेंट नहीं कर रहे ना कर सकते हैं कि जज साहिबान की जो इंटरनल इंटरप्रटेशन है कानून की क्या वो चीफ जस्टिस साहब की दुरुस्त है क्या वो जस्टिस जासुल्हसन साहब की दुरुस्त है क्या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ठीक किया एलिगेशन्स की हकीकत उसकी जो एलिगेशन्स को क्यों रिस्पॉन्ड प्रॉपरली नहीं अभी तक किया गया रजिस्ट्रार का क्या रोल था अभी हम इन इन चीज़ों पर बात नहीं कर रहे ये तो स्टेप नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन है अभी तो हम स्टेप नंबर वन टू से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई तरीका इस तरह का हो सकता है क्या कोई डगर इस तरह का चल सकता है जिसमें ये तमाम डिस्प्यूट्स रहें बड़े वसिफरसली डिबेट हों इन पे सहर हासिल गुफ्तु हो कोई कंसेंसस बिल्ड हो जुडिशरी के अंदर लेकिन हो एक ऐसे तरीके तो से ऐसे पर्दे तो के तो पीछे हैं तो है, आ, लेकिन इसमें एक पहलू जो है वो जरा इंपॉर्टेंट है जो कि जस्टिस फाइजीसा की भी शिकायत थी कि उन्हें इग्नोर किया जाता है उनको मतलब जो फैसला साजी है उसके अंदर उनको शामिल नहीं किया जा रहा जो कि उनका हक है उनको नहीं दिया जा रहा आज जस्टिस एजाज़न ने भी ये बात की है कानूनी से सेलहदा उन्होंने इंतजामी मामला पे कॉमेंट किया है कि उन्हें इग्नोर किया गया है उनके साथ जो जो तरीक़ार था वो नहीं अपनाया गया तो ये ज़रा सा डिफरेंट मामला है जी खान साहब इसमें दो मामलात हैं आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की इसमें दो मामलात हैं एक मामला ये है कि जो जो भी कार्रवाई जिस तरह जस्टिस काजी फाइसा साहब माजी में कहते थे कि जो उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के चैम्बर में या उनके साथ मीटिंग में कार्रवाई हुई वो ऑर्डर में या सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज में या सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे ना, में या रजिस्ट्रार के बेंच के फॉर्मेशन के ऑर्डर के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुई ये वाली बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि आज हसन साहब भी इसी तरह की खलिश कर रहे हैं कि उनका ये कहना है और अगैन मैं इसको केयरफुली इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि Uh, इसमें से जिस भी चीज़ पर यकीन किया जाए हमें एक चीज़ में कंक्लूड करना पड़ेगा कि शायद uh, कोई uh, सही बयान नहीं कर रहा है एक साइड सही सही बात कर रहा है एक साइड गलत बयान कर रहा है क्योंकि फैक्चुअल डिस्क्रपेंसी है कि फ़ैसला क्या हुआ था चेंबर में छः मेंबर बेंच सुनेगा सात मेंबर बेंच सुनेगा क्या मिनट्स दिए गए थे नहीं दिए गए थे वो डेढ़ घंटा पहले क्यों उससे पहले नहीं दिए ये तो फैक्चुअल बातें हैं जिन पर इन, आ, जिन पे नेचुरली पहले भी बात जस्टिस फाइसा की तरफ साहब की तरफ से होती रही और अब जस्टिस एजाज साहब की तरफ से हो रही है लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने जिस तरफ थोड़ा सा इशारा किया कि कुछ कानूनी पहलू भी हैं कि क्या एक अपील इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के आने के बाद इस ए, एक अपील जो लार्जर बेंच ने सुननी है अगर पांच ने ओरिजिनल फैसला किया हो तो क्या वो छः होंगे या सात होंगे इसके ऊपर सिर्फ़ एक इंटरनल फैसला नहीं होना इसके ऊपर जुरू स्टूडेंट्स के भी कुछ सवाल हैं कि लार्जर बेंच का क्या मतलब है कितने जज साहिबान होंगे अगर तीन का मेम का तीन लोगों का फैसला पाँच के सामने आएगा तो पाँच का सात के सामने क्यों नहीं जाएगा कुछ कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं इन सब को रिजॉल्व होना चाहिए लेकिन सिर्फ अगर इनकी वजह से जुडिशरी के जो फैसले हैं जनरली या जुडिशल जो कॉन्डक्ट है या जो बेंच की फॉर्मेशन है अगर उस पर एक जनरली या ओवरऑल उसके ऊपर एक एक, 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 एक शेडो ना पड़ जाए एक उसकी साख मजरू ना हो जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा थैंक यू सो so मच